हर हर महादेव। युग चक्र में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। इस युग चक्र में 8 युग हैं और प्रत्येक युग 12,600 सालों का है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कलयुग के बाद पुनः कलयुग आता है और सतयुग के बाद पुनः सतयुग, किंतु हरेक युग 4 भागों में विभाजित है, जिन्हें लघु सतयुग, लघु त्रेता, लघु द्वापर और लघु कलयुग कहा गया है। इन लघु युगों की अवधि अलग अलग है। लघु सतयुग 5040 वर्षों का, लघु त्रेता 3780, लघु द्वापर 2520 वर्षों का और लघु कलयुग 1260 सालों का। इनके क्रम में कोई दोहराव नहीं होता। जैसे यहाँ कलयुग के बाद फिर से कलियुग आरंभ हो रहा है, किंतु लघु युगों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि इस कलयुग का लघु कलयुग बीतने पर इस कलयुग का लघु सतयुग आएगा। फिर हमने जाना था युगों के बीच स्थित संगम कालों के बारे में। युग चक्र में 8 संगम काल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 8 दिशाओं के अधिपति करते हैं और लघु युगों के बीच लघु संगम काल होते हैं। संगम कालों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, अयन संगम काल और मध्यम संगम काल। अयन संगम काल की सहायता से हमने जाना था कि इन दोनों कलियुगों में से किस कलियुग में हम हैं। हमने संगम काल कब आरंभ हुआ वो भी जाना था और संगम काल के 3 चरणों को भी समझा था। फिर हमने इन संगम कालों के बीच अंतर को समझा था, जिससे संगम काल की विशेषताओं को समझने में आसानी हुई। इन सब के बारे में हम विस्तार से कई वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि आगे समझने में आसानी हो। इस युग चक्र में युगों की अवधि को यदि हम संवत्सर चक्र के अंतर्गत लाना चाहें तो प्रत्येक युग 210 संवत्सर चक्रों का होगा। एक संवत्सर चक्र में 60 साल होते हैं। मैंने पहले कहा था कि संवत्सर चक्र की सहायता से और अधिक सूक्ष्म गणना की जा सकती है और शनि और बृहस्पति ग्रह के चाल का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे कुछ भविष्यवाणियां भी की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के संत वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा लिखे हुए काल ज्ञानम ग्रंथ में बहुत सारी भविष्यवाणियां इसी तरीके से की गई हैं। संवत्सर चक्र के वर्ष में बृहस्पति और शनि की 12 राशियों में स्थिति और चाल की गणना करके ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर मुख्य घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। तो युग चक्र के युगों और लघु युगों की अवधि को संवत्सर चक्र के अनुसार भी गणना कर सकते हैं। जैसे एक युग हो जाएगा 210 संवत्सर चक्रों का, लघु सतयुग हो जाएगा 84 संवत्सर चक्रों का, लघु त्रेता 63 संवत्सर चक्रों का, लघु द्वापर युग 42 और लघु कलयुग 21 संवत्सर चक्रों का हो जाएगा। और यदि एक युग चक्र के इन 8 युगों को मिलाया जाए तो कुल 1680 संवत्सर चक्र होंगे। हमने जाना था कि जब 36 युग चक्र बीत जाते हैं, एक मनु चक्र पूरा होता है और काल चक्र के अंतर्गत 12 मनु चक्र होते हैं। धर्म ग्रंथों में हमें 14 मनुओं का उल्लेख मिलता है, जिनके समय काल को मनवंतर कहा गया है, किंतु काल चक्र के अंतर्गत 12 मनु होते हैं। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित तामस और रेवत मनु को इसमें स्थान नहीं मिला है, क्योंकि ये दोनों तीसरे मनु उत्तम के भाई हैं। यदि इन दोनों को भी मनु माना जाए तो ये दोनों 3 मनवंतर काल में मौजूद होंगे, जो कि कालचक्र के नियमों के अंतर्गत नहीं है। इसलिए कालचक्र की गणना में 12 मनुओं का उल्लेख है। प्रत्येक मनु के काल में एक विष्णु का अवतार होता है, जबकि सामान्य धारणा यही है कि विष्णु अवतार के रूप में प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं। तो फिर मनवंतर में विष्णु के अवतारों का क्या औचित्य है? इसके बारे में कालचक्र वैवस्वत मनु की कहानी बताता है, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। कहानी ऐसी है कि मत्स्य अवतार ने जिस नौका को प्रलय में बचाया था, उसमें केवल मनु और सप्तऋषि नहीं थे, बल्कि उनके साथ 8 और लोग थे। वो 8 लोग इस युग चक्र के 8 दिग्पाल हैं और उन 8ों को बचाना आवश्यक है, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी एक संपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस युग चक्र में देखिए, ये है त्रेता युग। ये किस दिग्पाल के अंतर्गत आता है? वरुण और वायु के अंतर्गत। यानी त्रेता युग की सारी जानकारी केवल एक के पास नहीं है,
बल्कि दो दिक्पालों के पास है। आप देख सकते हैं अन्य युगों में भी वही व्यवस्था है। ये द्वापर युग सूर्य और वरुण के अंतर्गत आता है, इसलिए द्वापर युग को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों को बचाना पड़ेगा। किसी भी दिक्पाल के पास किसी एक युग की संपूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि एक युग कभी भी एक समान नहीं रहता, उसमें धर्म का परिमाण बदलता है। जैसे कि इस त्रेता युग में देखिए, इसके लघु सतयुग में धर्म काफ़ी ताकतवर है, 8/6 भाग जो वायु के अंतर्गत आता है, जबकि लघु त्रेता से लघु कलयुग तक धर्म का पतन होता है और 8 का केवल 3 भाग रह जाता है जो वरुण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए एक युग चक्र को सुरक्षित रखने के लिए 8 दिक्पालों को बचाए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार प्रलय में एक मनवंतर और एक युग चक्र को बचाया गया ताकि कालचक्र सुरक्षित रहे। केवल मनु को बचाने से सिर्फ मनवंतर का ज्ञान सुरक्षित रहेगा, युगों का नहीं। युगचक्र का रहस्य युगचक्र के ज्ञान में ही है। जब तक युगचक्र को नहीं बचाया जाएगा, मनु को बचाया जाना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि फिर काल का आधारभूत कल्पुर्जा 12 मनवंतर बन जाएंगे, जो कि अभी 8 युग हैं। क्योंकि उसके बाद मनवंतर तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर युगचक्र नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मनु के साथ 8 युगों को भी बचाया जाता है। किंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक मनवंतर में एक विष्णु अवतार की व्यवस्था है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार मनु के साथ 8 दिक्पाल भी बच जाएं। तो ऐसी अवस्था में जब युगचक्र लुप्त हो जाएगा और कालचक्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक आधारभूत इकाई मनवंतर चक्र बन जाएगा, तब प्रत्येक मनवंतर में यही विष्णु के अवतार धर्म की स्थापना और रक्षा का भार भी संभालेंगे। हमने एक वीडियो में कालचक्र के विभिन्न चक्रों का वर्गीकरण समझा था। उसमें हमने विस्तार से रुद्र चक्र पर बात की थी और समझा था कि कालचक्र के अंतर्गत रुद्र चक्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें कुछ विशेष चक्रों को जाना था जो जागृत चक्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें कालकूप केंद्रक चक्र के अंतर्गत रुद्र चक्र आता है, जो संपूर्ण कालचक्र का लेखा जोखा सुरक्षित रखते हैं। उसमें मैंने बताया था कि रुद्र चक्र के अधिपति रुद्र का महत्व कालचक्र के अधिपति प्रभु हर के बराबर है, और ऐसा क्यों है उसी को समझते हैं। और उसे समझने के लिए हमें महाकाल चक्र को समझना होगा। विशेष चक्र के अंतर्गत हमने ये वर्गीकरण देखा था। सामान्य चक्र के अंतर्गत एकमात्र चक्र महाकाल चक्र आता है। नाम पर मत जाइए, भले इस वर्ग का नाम सामान्य चक्र है, किंतु इसकी अहमियत सबसे अधिक है। सामान्य चक्र को संयोजक चक्र से भी संबोधित किया गया है और विशेष चक्र को वियोजक चक्र से। तो जैसे ही हम रुद्र चक्र से आगे बढ़ते हैं, महाकाल चक्र आता है, जिसके अंतर्गत 11 रुद्र चक्र आते हैं। किंतु समझने वाली बात ये है कि महाकाल चक्र के अंतर्गत ये 11 रुद्र चक्र एक के बाद एक नहीं आते, बल्कि एक साथ 11 रुद्र चक्र समानांतर रूप से गति करते रहते हैं। यानी कालचक्र की संपूर्ण अवधि एक रुद्र चक्र की अवधि के बराबर है। उसके आगे तो सभी चक्र समानांतर रूप से एक साथ चलते हैं, यानी एक रुद्र चक्र का घटनाक्रम ही संपूर्ण कालचक्र का घटनाक्रम है। और दूसरे, तीसरे, चौथे आदि रुद्र चक्रों में भी वही घटनाएं थोड़े बहुत अंतर के साथ समय में एक साथ घटित होती हैं। और इन 11 रुद्र चक्रों की समानांतर गति की सुरक्षा एक महाकाल करते हैं। एक महाकाल के अंतर्गत 11 रुद्र चक्र चूँकि एक साथ गतिमान रहते हैं, इसलिए महाकाल चक्र की आयु मूलतः एक रुद्र चक्र की आयु ही है, 11 रुद्र चक्र की नहीं। इस चित्र से आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए, 11 रुद्र चक्रों की अवधि एक के बाद एक नहीं आती, बल्कि एक साथ सभी गतिमान हैं। एक रुद्र चक्र की कालावधि 3,37,10,56,49,66,400 वर्ष होती है। उतना ही महाकाल चक्र का भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाकाल चक्र के अंतर्गत उतने ही अवधि में और 10 रुद्र चक्र भी गतिमान हैं। मूल रूप से 11 समानांतर समय चक्र चलते रहते हैं। एक रुद्र चक्र का व्यक्ति दूसरे रुद्र चक्र में नहीं जा सकता और ना ही दूसरे रुद्र चक्र की घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। मानव तो युग चक्र तक ही सीमित है, रुद्र चक्र की कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव सा है।
रुद्र चक्र और महाकाल चक्र में बारीक सा अंतर है, जिसे और बेहतर ढंग से समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि रुद्र चक्र में स्थित होकर यदि कोई काल की गति को देखेगा तो सब कुछ वर्तमान काल में नजर आएगा, कोई भूतकाल या भविष्यकाल नहीं। रुद्र चक्र में बैठा व्यक्ति सभी युग चक्रों के घटनाक्रमों को एक साथ घटित होता देखेगा, वह एक साथ सभी युग चक्रों के कृष्ण को देख सकता है, किंतु वास्तव में वो घटनाक्रम एक साथ घटित नहीं हो रहे, क्योंकि वह ऊंचे चक्र रुद्र चक्र में स्थित है और निचले चक्रों को देख रहा है, इसलिए उसे सब कुछ एक साथ दिख रहा है, जबकि असल में वो घटनाएँ एक के बाद एक हो रही हैं। किंतु महाकाल चक्र से यदि देखा जाए तो 11 रुद्र चक्रों की घटनाएं एक साथ घटित होता सिर्फ दिखेंगी नहीं, बल्कि वो असल में एक साथ घट रही होंगी। रुद्र चक्र में स्थित व्यक्ति एक ही रुद्र चक्र के घटनाक्रमों को समानांतर रूप से वर्तमान में घटित होता देखेगा, अन्य किसी दूसरे रुद्र चक्र की घटनाओं को नहीं देख सकता, बल्कि उसे ये आभास भी नहीं होगा कि एक और रुद्र चक्र समानांतर रूप से चल रहा है। 11 रुद्र चक्रों के अस्तित्व का भान तभी होगा जब व्यक्ति महाकाल चक्र में स्थित होकर काल को देखे, तब उसे मालूम होगा कि एक रुद्र चक्र नहीं बल्कि 11 रुद्र चक्र हैं और वो सब समानांतर रूप से गति कर रहे हैं और उनके अंदर जो घटनाक्रम है वो भी समानांतर हैं। एक कहानी सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। त्रेता युग में विष्णु के अवतार श्री राम ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना कर दी और अवतार के रूप में अपना कार्य पूरा कर लिया। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसके पश्चात धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं था। उनका वैकुंठ उन्हें पुकार रहा था, किंतु समस्या ये थी कि हनुमान हमेशा उनके साथ रहते थे। मानव देह को त्यागने के लिए मृत्यु का हाथ थामना जरूरी था, किंतु हनुमान के रहते मृत्यु को श्री राम के निकट आने में भय लगता था। श्री राम अपने प्यारे भक्त हनुमान को किसी न किसी बहाने अपने से दूर भेजने का प्रयास करते थे, किंतु हनुमान तो जैसे उनकी परछाई बने हुए थे। महल की पहरेदारी उन्होंने अपने जिम्मे ले रखी थी, तो ऐसे में यमदेव कैसे अंदर आए। मृत्यु का देवता हनुमान से युद्ध करने की बात सोच भी नहीं सकता था। श्री राम समझ गए कि हनुमान के रहते वो वैकुंठ वापस नहीं जा सकते, तो अंत में उन्होंने हनुमान को कालचक्र का ज्ञान समझाने के उद्देश्य से एक लीला रची। एक दिन उन्होंने अपनी अंगूठी एक छेद में डाल दी और हनुमान से बोले कि मेरी प्रिय अंगूठी इस छेद में गिर गई है, उसे ढूंढकर वापस ले आओ। हनुमान जी तुरंत अपनी काया को छोटा कर उस छेद में कूद पड़े और वह छेद उन्हें धरती के बहुत भीतर ले गया। अंत में वो पाताल लोक पहुँच गए, जहाँ उन्हें नागराज वासुकी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उनका अभिवादन करके कहा कि पाताल नरेश, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी एक छेद में से गिरकर यहाँ पहुँच गई है, कृपया मुझे उस अंगूठी तक ले चलिए। नागराज वासुकी हनुमान जी को एक ऐसी जगह ले गए जहां अंगूठियों का पहाड़ खड़ा था। हनुमान बड़े चिंतित हुए कि इतनी सारी अंगूठियों में से प्रभु श्री राम की अंगूठी खोजना तो भूसे में से सुई खोजने जैसा है। तभी हनुमान जी ने देखा वहां तो और भी कई हनुमान हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह, और वो उन्हें घूर रहे थे। हनुमान को लगा अवश्य ही पाताल लोक के किसी असुर ने उन पर माया का प्रयोग किया है, जिसके कारण उन्हें मति भ्रम हो रहा है और उन्हें अपने ही प्रतिरूप दिखलाई पड़ रहे हैं। उन्होंने मुड़कर वासुकी को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। हनुमान कुछ आशंकित होकर आगे बढ़े और अंगूठियों के ढेर में से एक अंगूठी उठा ली। ये तो उनके प्रभु श्री राम की ही अंगूठी है, वह अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा वहाँ सभी अंगूठियाँ एक ही जैसी थी, तभी वहाँ मौजूद उनके प्रतिरूपों में से एक नागराज वासुकी के पास जाकर बोला, हे पाताल नरेश, ये कौन सा माया लोक है, यहाँ तो सभी अंगूठियाँ मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी जैसी प्रतीत हो रही हैं, यहाँ इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आई। स्वयं हनुमान जी के मन में भी यही प्रश्न था जो उनके प्रतिरूप ने पूछा था। तभी हनुमान ने देखा एक और अंगूठी आकर उस अंगूठियों के ढेर में गिरी, तब वो भी वासुकी के पास पहुँचे और कहा, हे नागराज, कृपा कर इस रहस्य से पर्दा हटाइए, यहाँ इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आई, यहाँ इतने सारे हनुमान कैसे हो सकते हैं,
क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? तब वासुकी ने कहा, नहीं, आप स्वप्न नहीं देख रहे, अपितु काल से परे आ गए हैं। यहाँ जितनी अंगूठियाँ हैं सभी श्री राम की ही अंगूठियाँ हैं, किंतु अलग अलग समय के श्री राम की। अब तक ना जाने कितने ही श्री राम जन्म ले चुके हैं और ना जाने कितने ही देह त्याग कर चुके हैं। प्रत्येक त्रेता युग में श्री राम का जन्म होता है, 14 वर्षों का वनवास होता है और देवी सीता का अपहरण होता है, तथा प्रत्येक त्रेता युग में रावण का वध करके श्री राम धर्म की स्थापना करते हैं, और हर त्रेता युग में श्री राम अपनी अंगूठी उस छेद में गिराकर हनुमान को लाने भेजते हैं ताकि वो मृत्यु का वरण कर वैकुंठ लौट सकें। हर त्रेता युग में एक वानर यहाँ अंगूठी खोजता हुआ पहुँचता है और उधर श्री राम जल समाधि लेकर वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। यह सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी हनुमान अत्यंत विस्मित होते हैं और वासुकी से पूछते हैं, किंतु पाताल नरेश, यहाँ तो अंगूठियों का पहाड़ है। यदि इस त्रेता युग से पहले के त्रेता युग में श्री राम की अंगूठी यहाँ गिरी थी और उस त्रेता युग का हनुमान उसे ले जा चुका है, तो यहाँ इतनी सारी अंगूठियाँ कैसे हैं? तब नागराज वासुकी उन्हें कालचक्र का ज्ञान देते हैं। दरअसल श्री राम ने हनुमान जी को युग चक्र से सीधे रुद्र चक्र में भेज दिया था, जहाँ से एक रुद्र चक्र के अंतर्गत सभी घटनाक्रम एक साथ घटित होते प्रतीत होते हैं। हनुमान जी जब वासुकी से पूछते हैं कि यहाँ ऐसी कितनी अंगूठियाँ होंगी, तब वासुकी कहते हैं, 33,44,30,208 अंगूठियाँ हैं, जिनमें से कुछ अभी छेद में गिरी नहीं हैं, कुछ गिर रही हैं, कुछ गिरने वाली हैं और कुछ को हनुमान वापस ले जा चुके हैं। यहाँ ये दृश्य आपके लिए ही रचा गया है ताकि आप काल से परे होकर सब कुछ देख सकें। वास्तव में यहाँ एकमात्र आपके प्रभु श्री राम की एक ही अंगूठी है, बाकी जो आप देख रहे हैं उनमें से कुछ भूतकाल के हैं और कुछ भविष्य के। अभी आप जहाँ हैं वहाँ से काल केवल वर्तमान में दिखता है, इसलिए यहाँ आपके इतने सारे प्रतिरूप हैं, किंतु वास्तव में ये बीत चुके पिछले त्रेता युगों के हैं, जिन्हें मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ जो अभी आपको बता रहा हूँ, और इनमें से कुछ प्रतिरूप अगले आने वाले त्रेता युगों के हनुमान हैं, जिन्हें मैं ये ज्ञान ठीक वैसे ही दूंगा जैसे अभी आपको दे रहा हूँ। वास्तव में आपके युग के कालखंड में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको कालचक्र का ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रभु ने आपको युगचक्र की बेड़ी से निकालकर रुद्र चक्र में स्थापित कर दिया है, जहां काल की गति युगचक्र से भिन्न है। यहां प्रत्येक क्षण एक श्री राम की जल समाधि हो रही है तो एक श्री राम का जन्म भी हो रहा है, इसलिए श्री राम के वैकुंठ गमन पर संताप व्यर्थ है। इस सत्य को जानकर हनुमान जी की चिंता दूर होती है और श्री राम से वियोग का उनका दुख मिट जाता है। तो इस प्रकार केवल एक रुद्र चक्र में 33,44,30,208 अंगूठियां हैं, जिन्हें ढूंढते हुए इतने ही हनुमान अलग अलग त्रेता युगों में आते हैं। किंतु महाकाल चक्र में बैठा व्यक्ति क्या देखता है? वो देखता है कि जैसे ही हनुमान एक रुद्र चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक उसी समय दूसरे, तीसरे और अन्य सभी रुद्र चक्रों में एक एक हनुमान प्रवेश करते हैं। प्रत्येक रुद्र चक्र में वासुकी उन्हें कालचक्र का ज्ञान दे रहे हैं। एक रुद्र चक्र में 33,44,30,208 अंगूठियाँ हैं तो दूसरे में भी उतनी ही हैं, तीसरे में भी और सभी में। किंतु महाकाल चक्र में स्थित व्यक्ति ही ये देख सकता है कि 11 रुद्र चक्रों की घटनाओं में क्या क्या असमानताएं हैं। जैसे कि यदि किसी रुद्र चक्र के राम सरयू नदी में जल समाधि लेते हैं तो अन्य किसी रुद्र चक्र के राम गंगा में, किसी रुद्र चक्र के रावण के 10 सिर हैं तो किसी रुद्र चक्र के रावण के 11, 11 रुद्र चक्र समानांतर रूप से चलते हैं, घटना क्रम भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार आज हमने कालचक्र के इन चक्रों को थोड़ा विस्तार से जाना। अगली बार फिर अन्य चक्रों के बारे में जानेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।